नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं प्रीति। बिहार में अब सरकार जातियों की गिनती करने वाली है। जाति आधारित जनगणना के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कल कैबिनेट की बैठक हुई थी और कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई। आपको बता दें कि जाति आधारित जनगणना करवाने को लेकर के सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें सभी दलों के तमाम नेता मौजूद थे। तेजस्वी यादव से लेकर के बीजेपी जेडीयू के कई तमाम नेता मौजूद थे, जिसके बाद सभी दलों की सहमति से इस प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। यानी कि अब सरकार के आदमी आपके घरों के पास आएंगे, दरवाजे खटखटाएंगे और आपसे आपकी जाति पूछेंगे। जाति ही नहीं बल्कि आपसे आपकी उपजाति भी पूछी जाएगी। इसको लेकर के सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और सरकार ने बताया कि इस जाति आधारित जनगणना को करवाने के लिए 9 महीने का समय लगेगा। यानी कि बिहार की आबादी है 13 करोड़ लोगों की जाति आधारित जनगणना करवाने में मात्र 9 महीने का समय लगने वाला है और इसमें 500 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं और ये खर्च बिहार सरकार के सरकारी खजाने से आने वाले हैं। बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुभानी ने इस बारे में क्या कुछ जानकारी दी है वो आपको दिखाते हैं। जाति आधारित गणना के क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का व्यय जो अनुमानित है, इसका प्रावधान बिहार आकस्मिकता निधि से किया जाएगा। बता दें कि जाति आधारित जनगणना के अलावा इस कैबिनेट की बैठक में और भी कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है, लेकिन जो अहम प्रस्ताव है वो जाति आधारित जनगणना है, जिसको लेकर के विपक्ष सरकार को कई महीनों से घेर रहा था। इसको लेकर के एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने गया था, लेकिन केंद्र ने इस जाति आधारित जनगणना को कराने में इनकार कर दिया था। लेकिन इसके बाद अब राज्य सरकार अपने खर्चे पर जाति आधारित जनगणना करवाने वाली है। जाति आधारित जनगणना करवाने के पीछे नीतीश सरकार का मकसद है कि बिहार में जातियों की गणना हो सके, इसके बाद उन्हें उन लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके, उन्हें आरक्षण में मदद मिल सके। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी खजाने से ये राशि खर्च की जाएगी। फरवरी 2023 तक गणना का काम पूरा करने का लक्ष्य है। इस संबंध में 24 घंटे पहले ही सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी, जिसमें जातीय जनगणना का निर्णय लिया गया। आमिर सुभानी ने बताया कि गणना कराने की पूरी प्लानिंग चल रही है। राज्य के सभी दलों के नेताओं को समय समय पर जाति गणना की चल रही प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाती रहेगी। इसके बारे में कर्नाटक मॉडल का भी जिक्र किया गया। कहा गया कि कर्नाटक की तरह बिहार सरकार भी ऐसे पहल कर सकती है। तो अब सरकार के इस फैसले के बाद से बिहार में जातियों की गिनती शुरू हो जाएगी। अब जातियों की गिनती शुरू होने के बाद सरकार को इससे क्या फायदा मिलता है और क्या सरकार सच में इसे अपने फायदे के लिए करवा रही है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज पीआर के साथ। धन्यवाद। ताकि सब लोगों को ये मालूम रहे कि ये काम किया जा रहा है और आप लोगों को प्रकाशित कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग एक बात